फाइनली वी हैव रीच्ड मनाली। मनाली से 20 किलोमीटर पीछे रुके हैं अभी, और ये हमारा यारों का पुराना अड्डा। क्यों भाई? ओ भाई जी, लो और आगे पता नहीं पेट्रोल पंप कहाँ मिलने वाला है हमको। भाई आगे आगे होगा पेट्रोल पंप, वैसे पीछे तो था, पीछे छोड़ कर आए हैं पेट्रोल पंप। 300 किलोमीटर पीछे छोड़ रहे हैं। देखियो कौन था ये। हाँ जी सर, क्या लेना है आपने? पानी पीने के लिए ग्लास चाहिए थे हमें। अच्छा, हमसे गले विनर है, मैं मन था और ये दो थे, और उसमें मैं जीता और उसके बाद और लव ला दिए। देखो कैसे हो रखा है। पूरा काम चला हुआ है 6:20 पे, पहली बार निकल रहे हैं लौंडे इतनी सुबह सुबह। मैनेजर किसकी गड्डी लेके आए हो, किसकी गड्डी लाए हो? तो गाइस मेरे पास बैग बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े बैग हैं, पूरा सामान लेके जा रहे हैं, बाइक से ही जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, तो जो जो चीज़ें हैं ना सब कुछ रख लिया हमने। एक एक चीज़ रखनी थी उसका डबल डबल रखा है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। तो सुबह के बज रहे हैं, 7 बज चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं मनाली हाईवे पे। तो अभी करंटली अब हम किरतपुर से हमने राइट ले लिया है और आज हम जा रहे हैं गाड़ी से। पूरा व्लॉग आज गाड़ी से शूट होना है, मोटो व्लॉग नहीं करेंगे बिकॉज हमने गाड़ी भी टेस्ट करनी है। और हमारे साथ आज जो कंपेनियन में ज्वाइन कर रहे हैं वो एक हैं रेविन जी और नेगी। थैंक यू सो मच हमारे स्पॉन्सर के लिए, हमारे भाई ने आज स्पॉन्सर किया। तो स्पॉन्सर के लिए सबसे पहले थैंक यू तो बनता ही है। हमारा जितना भी स्टे, खाना पीना और गाड़ी का जितना भी खर्चा है सब हमारे स्पॉन्सर, मतलब ये ना बहुत बड़े ब्लॉगर है, ये स्पेशल इंडिया में आए हैं, ये स्पेशल इंडिया में आए हैं छोटे छोटे ब्लॉगर्स को सपोर्ट करने। एंड ये है नेगी जी, ये लाला जी है। तो गाइस इनके बारे में तो आपको एक एक बात जाननी पड़ेगी, कुछ भी काम करवाना है, कुछ only work on fuel. नहीं नहीं कुछ भी अगर आपने काम करवाना ना तो दिन में नहीं करवाना, खाली एक उसका रूल है, एक बाटली लेके जानी है और रात को आ जाना है। तो भाई only work with fuel, without भाई साहब ये वाले ट्रिप में भी ये भाई ने बस कल ही हमको कन्फर्म किया है, वो भी मेरे को लग रहा है किसी ने बाटली बुटली पिलाई होगी और हाँ होगी। तो आने वाले व्लॉग्स में आपको यही करेक्टर्स दिखने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा धांसू मज़ा आने वाला है। ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और मनाली में तो यार बहुत ज़्यादा गंदी वाली ठंड होने वाली है। क्यों भाई लोग? और भाई जी फुल ऑन। एंड हमारे साथ गफी व्लॉग्स भी हैं, भाई का कंटेंट अच्छा लगता है तो ज़रा सपोर्ट करो भाई को भी। तो है, निकले आगे है रुक रुक रुक, मुझे एक शॉट और लेना है। तो भाई जो आज की हमारी सवारी होने वाली है दैट इज़ गोना बी G4x4। तो वैसे अभी हमारा प्लान जो है ना वो है गोम्बो रंजौन जाने का, पर हमने कुछ पता किया रिसोर्सेज से कि वो वहाँ पे वैसे बोल रहे हैं कि हम शिंकुला पास तक जा सकते हैं, तो गाड़ी भी टेस्ट हो जाएगी, 4x4 भी हो जाएगी एंड स्लो फॉल के भी थोड़े से चांसेस हैं, स्लाइटली से चांसेस हैं, वैसे तो इतने ज़्यादा चांसेस हैं नहीं, शायद मंडे को हमको विटनेस हो सकती है। तो फिर चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से, फिर मिलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है यार। निकल तो चुके हैं ट्रिप के लिए पर कैश निकलवाना भूल गए, तो वही दिक्कत बड़ी आ रही थी। यहाँ पे कैश मैक्सिमम चलता है, UPI सबके पास होता नहीं, पर भाई के पास था UPI, बाद में निकाला उसने UPI। मैं सबके पास होता निकालता कोई नहीं है, मैं सबके पास होता निकालता कोई नहीं है। तो गाइस ये है गेट हिमाचल का, हिमाचल पंजाब का, यहाँ से हिमाचल पूरा स्टार्ट हो चुका है। सर खाने का क्या करना है? ये देख रहे हो तो आपको ना 4 दिन ऐसी गालियाँ सुनने को मिलने वाली है। क्या खाने का? खाने का पहुँचने तो दो कहीं पे। क्या सर पैसा तुम्हारे पास है? क्या खाओगे सर? थोड़ा खिलाओ सर, थोड़ा
भैया देखो हमने स्पॉन्सर किया है, अब तुम्हारी जब तक अंतड़ियां नहीं बाहर आई ना तब तक कुछ नहीं मिल रहा। स्पॉन्सर कैसा ना, स्पॉन्सर ऐसा कि रोटी नहीं मिलनी, तेल भरवाएंगे और हमारा फ्यूल है वो खाएंगे। कांड इतना बड़ा हो गया ना यहाँ पे, देख रहे हो येलो लाइट आने लगी, मतलब फ्यूल हो गया लो और आगे पता नहीं पेट्रोल पंप कहाँ मिलने वाला है हमको भाई। आगे आगे होगा पेट्रोल पंप, वैसे पीछे तो था, पीछे छोड़ कर आए हैं, 300 किलोमीटर पीछे छोड़ रहे हैं। नहीं वैसे तो आर एस है, वो भी दे देते 5 किलो। 4 घंटे वेट करो, यहाँ पे टनल का कुछ काम चल रहा है, ये जो ये, कनेक्ट काम। ये वो वाला है ना जो नया कनेक्ट करेगा रूट। एक स्टे पे रुके हैं, यहाँ पे कुछ खाते हैं, हल्का फुल्का सा खाते हैं। अरे 3 घंटे हो गए हमको चलाते हुए, 6:30 निकले थे, मतलब ऑलमोस्ट 3 घंटे हो गए और बहुत ही अच्छी स्पीड से आ रहे हैं, बिल्कुल भी रश हमको मिल नहीं रहा, तो ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज है हमारे लिए। और पीछे मौसम तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था ना, और यहाँ पे अब धूप आनी शुरू हो चुकी है, यहाँ से पूरे माउंटेंस भी विजिबल आने शुरू हो चुके हैं। हाँ जी क्या खाओगे सर? पहाड़ी कितनी पहाड़ियाँ हैं, लाइट से खाना है? हाँ लाइट से ही करेंगे। वैसे अभी यही प्लान कर रहे हैं कि 4 आलू के परौंठे लगते हैं और ज्यादा नहीं लगता कुछ। अच्छा वो कर दो, ये इतना ही लाइट सर। आपने फ्यूल करना था सर? फ्यूल आप कब करेंगे? फ्यूल आफ्टर 12 करते हैं सर, फ्यूल शाम को सर। सर आफ्टर 12 करते हैं फ्यूल। हां थोड़ी सी यार धूप सेक लेते हैं क्योंकि मच नीडेड धूप है। 4 चाय दे दो। गाड़ी के अंदर भी लिटरली यार बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, मैं एक्सपेक्टेड नहीं था, हमने ब्लोअर चलाया नहीं था क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं था यार, वहां जहां पे सनफ्लेयर्स पहुंचती नहीं ना वहां तो बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। ब्रेड होगी या फैन मट्टी कुछ? फैन फायदा फैन है। बटर टोस्ट ले लो। हाँ हाँ बटर टोस्ट कर बटर टोस्ट कर दो आप। बटर टोस्ट चाय बढ़िया करारी जी कर देना, ब्रेड और उसमें मक्खन लगाओ। ठीक है कैंट है। हाँ जी सर क्या बोल रहे थे, क्या करना है आपका? बटर टोस्ट 3 अभी फोटो खींचती है। हाँ कर दो 4 कर दो सर। बिल्कुल बिल्कुल हाँ टोस्ट आए भाई और चाय लाए भी तो भाई। टाइम पे किस टाइम पे लेके आया भाई? ठंड के टाइम पे बताता हूँ। ठंड के टाइम पे लीजिए सर, मैं लेता हूँ यार। देखना अच्छा अच्छा जैसे मैंने जलाए। हाँ सर्दियों में यार ये मिल जाए ना वापस से, ऐसे धूप कड़ाकेदार सर्दी लेता हूँ। हाँ 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 ठीक है ठीक है। कौन चूज किया था ये? नेगी जी पैर जो साफ करो गड्ढा तो। नेगी जी के कंबल पाए नेगी जी ने? कपड़ा कपड़ा है कपड़ा नेगी जी के ना ये कंबल। अब हम चलाएंगे जीप कैंपस एंड यहाँ से अब नेक्स्ट डे जो हम सोच रहे हैं वो सोच रहे हैं कि सीधा डायरेक्ट कुल्लू का करेंगे। लाइट से हमने ब्रेकफास्ट यहाँ पे कर लिया, जो हैवी ब्रेकफास्ट है फिर वो वहीं करेंगे। हैवी ब्रेकफास्ट क्या मेरे को लग रहा है फिर तो लंच का टाइम हो जाएगा, मतलब तकरीबन 11-12 बज ही जाएंगे हमको कुल्लू पहुँचते। वैसे हमारा टारगेट तो मैंने आपको बताई है 2 से 3 बजे तक का है, बाकी देखते हैं अगर जिस स्पीड से जा रहे हैं अगर इस स्पीड से नहीं रुके तो बहुत ही जल्दी पहुँच सकते हैं हम, 1 या 2 बजे के बीच में भी पहुँच सकते हैं, तो हमारे पास उतना ही टाइम मिल जाएगा मनाली को एक्सप्लोर करने का। बिकॉज कल और परसों के जो व्लॉग्स हैं वो तो बड़े ज़्यादा धांसु व्लॉग्स आने वाले हैं, शायद हमको स्नोफॉल भी मिल जाए। वी हैव रीच्ड मंडी वेरी सेफली और अभी टाइम हो चुका है 10:45। बहुत ही आराम आराम से आ रहे हैं और बहुत ही अच्छे से डिस्टेंस कवर करते हुए जा रहे हैं क्योंकि रश बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है ना। बहुत ही बड़ा एडवांटेज है कि रश बिल्कुल नहीं मिल रहा है, वरना तो यार इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रश मिलता था। पर आई डोंट नो कि आज हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि रश नहीं मिल रहा, और गाड़ी तो यार वैसे इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है ना, बिल्कुल भी ज़ीरो थकावट ज़ीरो। मतलब बाइक से थोड़ी सी गाड़ी कंफर्टेबल तो होती है ऑब्वियस ही बात है, अब आप अपने स्पेस में होते हो। हाँ जी ले लिया, पानी की बोतल ही थी हमारे पास जब से हमने ट्रिप स्टार्ट किया ना, अभी ध्यान आया तो मंडी में लिया। अब यहाँ से अब निकल रहे हैं मनाली की तरफ और यहाँ से जो सीनिक व्यूज आने वाले ना ओए होए होए कैट। चलो जी मंडी में ज़्यादा चाटा लेता है, 20 रुपये बड़े ही औखे देते हैं ऐसे।
एक एक रुपया करके ना। लो सर प्लीज एंजॉय करो कॉटन कैंडी, क्या बोलते हैं सर इसको? ये जी कॉटन कैंडी बोलते हैं, बट हम तो भाई गुड्डी के बाल ही बोलेंगे। अभी यहाँ पे जाम में फंसे हुए हैं, आगे ना कुछ कटिंग चल रही थी मेरे को 10 से 11 बजे तक, और कुदरती अभी 11 ही बज चुके हैं, अभी शायद खुलने वाला रास्ता। चल भाई चल जल्दी निकल रही है, वो शायद टनल का काम चल रहा होगा ना तो उसकी वजह से। अब यहाँ से जो व्यूज़ आने वाले माउंटेंस के वो हर कुछ ही आने वाले, बहुत बड़े बड़े माउंटेन रेंज यहाँ से स्टार्ट हो चुके, पूरा सीनिक व्यू जिसको बोलते हैं ना वो हमको मिलने वाला है अभी यहाँ से। मतलब बिलासपुर तक तो कोई फीलिंग आती नहीं है कि मनाली जा रहे हैं। एक हफ्ते पहले की बात बताई है रेविन ने, ये यहाँ पे आके बैठे थे एक्चुअली, रेविन का कुछ दिल दुल टूटा था। और यहाँ से चेकआउट करो यार, जो टनल बाइफर्गेट कर रहे हैं ना, ये वाले पूरा रूट आने वाले टाइम में आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि पुल स्टार्ट हो जाएगा ये जो भाई नेक्स्ट इंटरसेक्शन बनाया ना। और यार कितने बड़े बड़े पिलर भाई, यहाँ पे तो जाम ही लगा रहे करे का फोटो के लिए, जैसे शिमला में है ना। ओ भाई साहब ये तो भाई नेक्स्ट लेवल है, शिमला क्या है इसके साथ अभी नहीं पता चलेगा, अब पता चलेगा कि कितने बड़े बड़े वो तेरी यार ये टूट ही ना जाए कहीं। बस वी हैव रीच्ड कुल्लू टनल, यहाँ से राइट चले जाएंगे तो शांगड़ आएगा, बहुत ही ज़्यादा रॉ टनल बना रखी है उन्होंने, इसमें कुछ भी मतलब कि कॉस्मेटिक कुछ भी नहीं किया है, जैसे अटल टनल इतनी अच्छी बना रखी है, ये तो अंदर से लाइटें लगा दी, मेरे को लग रहा है वही बहुत किया है इन्होंने। वैसे अब टनल के इस साइड पे आ गए हैं, और जो यहाँ का टर्मैक रोड है ना बहुत ही औसम है, और वो यहाँ पांडे वाली दुकान आ गई, बहुत टाइम से पांडे वाली दुकान ढूंढ रहे थे, अब जाके मिली है। पांडे के रीजन है रोटी रोटी बनाने के लिए, राती रोटी भी तो खानी है ना। रवि ने तू भी कस्टम करवा ले, पीछे किचन ही लगवा रहे बंदों ने आजकल। वेरी गुड सर, वेरी गुड। वैसे अगर मेरी माँ को और मेरी वाइफ को मना ले किसी घूमने भेज दे, देख ले भाई क्या क्या लगवा रही है। बाकी जो ये वाले एरिया में हम आए ना टनल को क्रॉस करके, तो यहाँ वाले माउंटेन्स में ना थोड़ी सी प्लांटेशन कम है, मतलब पेड़ पूड़ बहुत ही कम दिखते हैं यहाँ पे यार, और इसके बैक साइड पे तो जब टनल स्टार्ट होती है तब तो बहुत ज़्यादा थे। और यहाँ से मात्र अब रह चुका है 1 घंटे का रास्ता टूवर्ड्स मनाली, और बहुत ही जल्दी हम कंप्लीट भी कर लेंगे वो पूरा रास्ता। और यार चुभ रही है पूरी धूप, मैंने आपको बताया था ना जो 12 बजे वाली धूप है ना वो भयंकर ही चुभती है। पांडे मिल गए इनको यहाँ पे। हाँ जी सर, क्या लेना है आपने? पानी पीने के लिए ग्लास चाहिए थे हमें। अच्छा अच्छा, हमसे गले ऐसे तो सर ये भी देख सकते हैं ऑप्शन, ये लेना चाहिए। वेरी गुड सर, इसमें वो पाके ऐसे सर्व करेंगे। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। पी करने के लिए रुके थे, पी तो कर लिए, और अपना थोड़ी थोड़ी नींद सी भी आनी शुरू हो चुकी है, अब गाड़ी चला नहीं ना रे इसलिए। तो हम निकलते हैं आगे मनाली को, फिर मनाली में बहुत टाइम है साढ़े को, बहुत टाइम है आज। आज पहली बार ऐसा होया कि वहाँ पर टाइम ही टाइम है पूरा, ये ना 4 बजे तक पहुँचे ही ना मैं। हैं ये करते करते मैं जो बहुत टाइम है आगे पूरा जाम मिल जाए और खत्म। हम बोल रहे 5 बज गए जाम में, 8 बजे मनाली। क्यों सर? सर अभी ये सर अपनी दुनिया में खोए हुए हैं, एक सर पता नहीं दुनिया भर के नशे पता नहीं कौन से पानी वाले नशे भी चल रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ सूखा नशा करके ना पानी जर्दा खाया होता मुंह से निकाल रहा है। रोक दे
टट्टी आ रही बात टट्टी। और नहीं भाई गड्डी नहीं रुकेगी भाई, पैर जो बस के साथ रेस लग रही है मेरी भाई रोक दे। नहीं भाई नहीं गड्डी गड्डी पैर जो बस के साथ रेस लग रही है। इस लौंडे को कुछ लग गया है टट्टी आ रही है टट्टी में सर रोक नहीं रहे हैं। वो मेरे को लग रहा है उसके ना बीच में ही ना हो जाए कहीं सर कहीं रोक दो कैश पूछ की फैक्ट्री आ गया। तो वी हैव रीच मनाली, मनाली से 20 किलोमीटर पीछे हैं हम और यहाँ पे अभी रुक के कुछ खाना खाएंगे क्योंकि भाई को कुछ भाई को थोड़ा सा ना पूप करना है पूप। क्यों भाई जी गाइस फाइनली 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 वी हैव रीच मनाली, मनाली से 20 किलोमीटर पीछे रुके हैं अभी और ये हमारा यारों का पुराना अड्डा है। क्यों भाई? ओ भाई जी मतलब हम यहाँ पे आ रहे हैं 5-6 साल से हम यहीं आते थे, पहले हमारा स्टे यहीं होता था और उसके बाद जाते थे हम मनाली को, यहाँ से तो, हम आगे शायद ही जाते थे। तो ये वाला ना एक्चुअल पॉइंट है जहाँ से पूरी राफ्टिंग स्टार्ट होती है एंड खाना पीना पूरा है। सर क्या करना है? लंच। ठीक है ठीक है, तो यहाँ पे लंच ब्रेक लिए अब हमने, तो यहाँ पे ना बैठने की भी अमेनिटीज़ है और यहाँ पे राफ्टिंग का पॉइंट है, यहाँ से राफ्टिंग स्टार्ट होती है। तो विक्की भाई का था तो हमने बड़े मज़े किए जब विक्की भाई यहाँ पे थे ना भाई साहब, राफ्टिंग पे राफ्टिंग चल रही है। पे पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं कि नहीं हो रही है? यहाँ पार्टी पुटी करते थे अपना, हमने 2 साल न्यू ईयर यहीं मनाया। वो सही बात है यार, न्यू ईयर भी यहीं मनाया था भाई, यहीं डीजे डूजे पा के ठंडे ठंडे उसमें ओए होए। बहुत ही ज़्यादा सूदिंग सा एनवायरनमेंट है यहाँ पे ना, बिकॉज यहाँ पे एक तो सारा राफ्टिंग पॉइंट की स्टार्टिंग भी है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम लोगों को पता है बिकॉज यहाँ पे यार वो तो विकी भाई मैं नोन थे तो तभी हम यहाँ पे रुक जाते थे, वरना यहाँ पे कुछ रुकने का कोई साधन है नहीं है। तो यहाँ से फिर हम जाते थे मनाली अगर हमको स्टे करना होता था ना, वैसे तो कैंप्स लगा रहे थे पर कभी वो अगर अवेलेबल नहीं होते थे ना तब हम जाते थे टूवर्ड्स मनाली। नीचे चलते हैं ब्यास रिवर के पास और बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी है। अरे वैसे पानी पूरा यहाँ पे भी फ्लो होता है वो, क्योंकि पानी अभी का पानी का फ्लो बहुत कम है तो इस करके पानी अभी उधर उधर भी है। अरे को है अरे पार पार यहाँ पे ना, वैसे राफ्टिंग का कोई मज़ा नहीं है, जो ऋषिकेश का मज़ा है ना वो यहाँ पे कोई राफ्टिंग का मज़ा नहीं है क्योंकि इतने पत्थर है, पत्थर में राफ्ट बसता रहता है। ओए पूरे पूरे पत्थर स्लिपरी है एंड भाई लोग लग गए हैं, सिग्नल वापस आ गया इनका, तो भाई लोग घर पे अपडेट दे रहे हैं पहुँच चुके हैं मनाली और वो भी बस 6 घंटे में मनाली पहुँचे हैं यार, बहुत ज़्यादा आराम से। तो ये एडवांटेज होता है जब आपके साथ बहुत ही अच्छा कंपेनियन फ्रेंड्स हो ना, तो टाइम ऐसे करता है ऐसे पता ही नहीं चलता। चलो गाइस निकलते हैं फिर यहाँ से मनाली को। तैयार हो नेगी जी? चलो सर चलो। नेगी जी फुल ऑन तैयार है भाई, चलो डालते हैं फिर। एक तो ऑटोमेटिक ना ये बड़ा सीन है, पता सारे बटन ही बटन है, गए कहीं फंस गए तो आपको पता है ना सर। ये दिखाओ तो बटन, तो दिखाओ बटन दिखा दी हमने, देखो कितने बटन है। यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं पूरा का पूरा सीनिक व्यूज, अगर आप राइट हैंड साइड पे देखोगे ना तो पहाड़ों की जो हाइट है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है और ये सारे जितने भी पहाड़ है ये सब रोहतांग पास को कनेक्ट कर रहे हैं, तो इन्हीं रीजन में कहीं रोहतांग पास है जो कि पूरा ग्लेशियर है। इस टाइम भी पूरे नेकेड है ये पूरे माउंटेंस क्योंकि अभी मौसम पूरा क्लियर है और यार गाड़ी के साथ साथ ऐसा व्यू मिल जाए तो और क्या चाहिए बताओ। वो भी इतनी कैंट प्रीमियम गड्डी चला रहे हैं 4x4 एंड विद सच अ सीनिक। कौन बोलता है कि मनाली में जन्नत नहीं है यार, ये देखो ये जन्नत से कम है क्या? कश्मीर में तो है ही है, इवन की मनाली में भी है। देखो कितना बढ़िया सा व्यू मिल रहा है, खुला मैदान है और सामने ऐसा लग रहा है किसी पेंटिंग ना रखी हुई है। रास्ते में हमको ना वैसे तो हम हॉस्टल जा रहे थे पर हमको ना बीच में पेंट बॉल दिख गया है, रियल पबजी। तो वैसे भी खेले हुए बहुत टाइम हो गया है, फोन में तो बैन हो गया है, तो रियल पबजी खेल के देखते हैं कैसे है, क्या एक्सपीरियंस है, फर्स्ट एक्सपीरियंस लेते हैं इसका। आओ 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 सर। छोटा सा प्ले ग्राउंड बनाया हुआ, बैटल ग्राउंड बनाया हुआ, उसके पास पीछे वो कर दो, वैसे बहुत सही होता है ये तो, ऐसा सही बनाया अपन है ना। नेगी को पूरा नेगी थे मार रहे ठा ठा ठा। गाइस ये वाली गन्स हैं, ये कुछ ना एयर प्रेशर टाइप कुछ गन्स होती हैं, बहुत ज़्यादा जोर की इसका ना प्रेशर से गोली निकलती है इसमें। और ये वाले इनके कॉस्ट्यूम है सर, तैयार हो? इनका फर्स्ट टाइम है सर का, सर डर रहे हैं थोड़ा। नहीं ये पोजीशन होती है इसका, ये वाला कॉस्ट्यूम है पूरा, ये है तो वैसे जीन्स टाइप का ही है कुछ मोटा है देखो। अच्छा इसमें पेंट है? हाँ जी हाँ जी सर। मतलब मैं तो यार सबका फर्स्ट टाइम ही है खेलना, तूने खेला पहले? ना मैं नहीं खेला यार, मेरे को लग रहा है 60 बुलेट मिलती है और बस्ती बड़ी तेज है जो हमने प्रेशर देखा ना मेरे को। वैसे हम सोच रहे हैं 120 की 120 इसके शरीर में उतार दें, पूरा का पूरा लोहा इसके जिस्म में उतार दें हम, तब जाके इसका पेट जो है ना थोड़ा अंदर जाएगा। कम ऑन यू कैन डू इट।
तो गाइस जो विनर है मेहमान था और ये दो थे और उसमें मैं जीता और उसके बाद और लहू नहा दिए देखो कैसे हो रखा है उसके बाद वन में ये जीत गया हेडशॉट तो बेर गिर गए सीधा यहाँ आके बजा इसमें ज्यादा बंदे हो ना तब ज्यादा मजा आता है चलो ये थी गन्स अपनी चलो भाई जी निकले फिर दोस्तों चलो भाई निकलते हैं यहाँ से मिलते हैं आपको गाड़ी में तो गाइस मनाली बैरियर पे आ गए हैं ये ग्रीन टैक्स का बैरियर है यहाँ पे 200 रुपये की हमको टिकट कटानी पड़ेगी और वो मेरे को लग रहा है कि 7 दिन तक वैलिड होता है कुछ ऐसा है वीक है वहाँ पे लिखा है ना वैलिड फॉर वीक है ना टू व्हीलर्स का 100 है और कार और जीप्स का 200 है बाकी एमयूवीज का 300 है बाकी ऑल काइंड ऑफ बसेस 500 तो 200 रुपये का यहाँ पे हमको ग्रीन टैक्स मिलेगा पूरे हिमाचल में तो और कहीं पे भी नहीं है शिमला में था वो अपलिफ्ट हो गया पर ये मनाली वाला अभी तक नहीं हुआ है हाँ जी सर आपकी उंगली ठीक है सर थोड़ा सा सूजन है इसमें एक्चुअली अब इनको ना हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा क्योंकि वो जो सूजन है ना वो ज़्यादा बढ़ रही है तो कहीं पस पुस ना बढ़ जाए क्योंकि गोली बहुत तेज बजी है चीरती हुई इनके जिस्म को ना गई है सर क्या बोलना चाहेंगे व्यूअर्स को मतलब कि शक्ति दिखा रहे हैं हिम्मत दिखा रहे हैं आप यो यो सर फ्यूल है सर के बॉडी में मजा आ गया है अगर आपके फास्टैग में पड़े ना तो फास्टैग से डिडक्ट हो जाएंगे तो ये तो बड़ा अच्छा सही रूल है यार हफ्ते के लिए पूरा वैलिड हफ्ते के लिए पूरा वैलिड है और जिन्होंने हमको ये राइड स्पॉन्सर की थी ऑब्वियसली बात उनके अकाउंट से कट चुके हैं तो ये जब व्हाट्सएप पे लिखे जा रहे हैं ये जब स्पॉन्सर्ड राइड होती है ना बड़ा ही मज़ा आता है यार कुछ भी करिए अब देखो हमने कितनी सारी गेम्स एक्टिविटीज़ की हैं वो सब सर की वजह से है सर नहीं होते तो आज हम कहाँ मनाली में घूम रहे होते घर पे बैठे होते रजाई के अंदर और सर की ये देखो गाइस और जो सर की उंगली में सर जो सर की उंगली में लगे उनका मेडिकल एक्सपेंस आ रहा है वो रिवर्स हो जाएगा फॉर्म भरना पड़ेगा उसके बाद आपकी एडमिशन हो जाएगी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में भी अपना बंग बेड्स हैं राइट हैंड साइड में बंग बेड्स हैं रूम्स ऊपर है छोटा सा पूरा मैप बना हुआ पूरा तो वैसे एक तो ये वाला रूम है तो भैया जी कह रहे हैं कि हमारे पास दो रूम्स हैं हाँ जी सर देख लो दो रूम्स हैं कौन से रूम लेने हैं तो ये वाला यहाँ पे डबल बेड लगा हुआ है सीटिंग यहाँ पे और जो सबसे बेस्ट पार्ट है ना यहाँ से व्यू चेकआउट करो है ये पूरा बॉनफायर के लिए पूरा अरेंजमेंट है वहाँ पे पार्किंग है एम्पल ऑफ पार्किंग मिलेगी आपको यहाँ पे पूरा का पूरा 360 में आपको माउंटेंस ही माउंटेंस मिलेंगे वहाँ पे पूरा ना स्नो कैप माउंटेंस मिलेंगे ये वाली प्रॉपर्टी तो बहुत बेस्ट है बहुत बेस्ट है मतलब अगर मनाली में आ रहे हो हॉस्टल ये वाली प्रॉपर्टी में रुको क्योंकि यहाँ पे नियर बाई आपको सामने वो दिख रहा है वो ले हाईवे है पूरा तो वो 7-8 बेंड्स हैं तो यहाँ से जो मनाली का व्यू आता है ना पूरा मनाली देखता है ड्रोन होता है ड्रोन शॉट से आपको दिखाता है पूरा मनाली जो मतलब ग्राउंडेड प्लेन लेवल पे दिखता है ना और साइड पे इतनी बड़ी बड़ी वैलीज बाकी गाइस ऐसा कुछ हमारा रूम है आज का एंड आई नो कि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया यहाँ तक देख लिया व्लॉग तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना व्लॉग अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक ज़रूर करना बाकी व्लॉग को लंबा ना करते हो व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड आपको व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट तो आपने करना ही करना है एंड ये दोनों थक चुके हैं बेहाल से ठीक है गाइस बाकी सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग धासू होने वाला है बिकॉज पूरी हॉस्टल की लाइफ दिखाने वाला है हॉस्टल में क्या क्या होता है और उसके बाद फिर डे 2 एंड डे 3 में आएंगे मैं ट्राई करूंगा इसको पार्ट्स में रखने की बिकॉज सब कुछ कवर करते हुए चलेंगे बाकी सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग टिल देन टेक केयर बाय बाय लव यू ऑल गाइस